दोस्तों पेटीएम ने निकासा है एक नया एप्लीकेशन। देखिए दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक मैनेज योर सेविंग अकाउंट। चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको हम इंस्टॉल करते हैं। आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं पेटीएम का नया एप्लीकेशन है। चलिए इसको डाउनलोड करते हैं और यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं कितना डाउनलोड्स है। मतलब कि देखा जाए तो अभी सिर्फ और सिर्फ 5000 डाउनलोड्स है, जिसमें कि अगर आप लोग पेटीएम का देखा जाए डाउनलोड कितना है, बहुत ज़्यादा डाउनलोड है पेटीएम का। लेकिन अभी ये जो है नया एप्लीकेशन है, तो इसलिए भी सिर्फ 5000 प्लस डाउनलोड है। चलिए दोस्तों इसका देखते हैं क्या इस एप्लीकेशन में फीचर दिया है पेटीएम ने। चलिए इसको सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं आपके सामने और आपके सामने ओपन करके दिखलाएंगे कैसे आपको साइनअप करना है। साइनअप तो आपका ऑलरेडी हो चुका है, कि इसमें क्या जो है नया नया फीचर आया है आपके सामने हम आपको बतलाएँगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा ये एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल हो चुका है फिनिश। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ओपन करना है। दोस्तों इंस्टॉल करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक ओपन और एक साइड में आपको मिलता है अनइंस्टॉल। चलिए इसको सबसे पहले इंस्टॉलिंग होने देते हैं और ये देख सकते हैं मेरा इंस्टॉलिंग अभी हो रहा है। और इस तरह से आपका इंस्टॉलिंग जब फिनिश होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको ओपन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। चलिए दोस्तों इसको ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, कुछ आपके सामने इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। चलिए दोस्तों अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पर टाइप करते हैं। अपना मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपको एक तीर जैसा जो शो कर रहा है उस पर क्लिक करना है। आप जो मोबाइल नंबर टाइप किए हैं उस पर एक OTP आएगा। OTP आपको यहाँ पे लिखना है मैनुअल, या फिर आपका मोबाइल में वही सिम लगा हुआ है तब आपका OTP फिलअप हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले OTP को फिलअप कर लेते हैं। OTP फिलअप करने के बाद आपसे पूछा जाएगा पासवर्ड। देखिए दोस्तों पासवर्ड आपको पता होगा कि जब आप अपना पेटीएम का बैंक अकाउंट बनाए हैं, मीन्स आप अपना सेविंग अकाउंट खोलें, तब आपको पासवर्ड रहता है 4 डिजिट का, वो आपको डालना है। चलिए दोस्तों अपना पासवर्ड को यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है। पासवर्ड डाल देने के बाद आपको लॉगिन सिक्योरली का ऑप्शन आपको मिलेगा। लॉगिन सिक्योरली का ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे क्या करना है, आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपना यहाँ पे अपना पेटीएम अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपना जैसे ही लॉगिन करता हूँ कुछ आपके सामने इस तरह का इंटरफेस हो जाता है। चलिए एक एक ऑप्शन के हम आपको करके दिखलाते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है यहाँ पे प्रोफाइल, आपको क्या करना है, प्रोफाइल का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं प्रोफाइल में आपको दो चीज़ शो करता है। यहाँ पे आपका जो नेम है वो आपको शो करेगा, यहाँ पे डिस्प्ले नेम है जो कि आपको शो करता है पेटीएम में। ऑलरेडी 3 डॉट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये आपको शो करता है। देखो दोस्तों यहाँ पे प्रोफाइल का तो ऑप्शन यहाँ पे हो चुका है। देखो दोस्तों यहाँ पे आपको मिल रहा है पासबुक, यहाँ पे पासबुक में जो आपका पेटीएम का यहाँ पे पासबुक दिखा था सेम टू सेम पासबुक यही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो पेटीएम का पासबुक जो आपको मिलता था वही पासबुक है, लेकिन इसमें से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि पेटीएम का जो पासबुक रहता था उसमें आपको वॉलेट का मनी दिखाया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये जो पासबुक है इसमें आपका जो सेविंग अकाउंट है, जो मतलब सेविंग अकाउंट जिसे कि आप जो UPI मनी ट्रांसफ़र करते थे, जो आपका अकाउंट है वो इसी पासबुक में जो आपको जितना भी आपका पेटीएम पेमेंट बैंक में जितना बैलेंस है वो आपको शो करेगा। दोस्तों यहाँ पे पासबुक का तो ऑप्शन यहाँ पे हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड मनी करने का। दोस्तों जो यहाँ पे आप ऐड मनी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ आपको ऐड मनी करने के लिए जो आपको फीचर है अभी नहीं मिल रहा है। दोस्तों ये जो नया एप्लीकेशन है फीचर तो आ जाएगा बाद में, लेकिन यहाँ पे आपको 3 चीज़ शो कर रहा है। फर्स्ट में आपका नेम शो कर रहा है, सेकेंड में आपका जो अकाउंट नंबर है पेटीएम पेमेंट बैंक का वो आपको शो कर रहा है, नीचे में आपको पेटीएम का FC कोड दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो पेटीएम का ऐड मनी करने के लिए जो मिलता था, जो कि आपको अभी भी मिलता है पेटीएम का एप्लीकेशन में, जो कि सेविंग अकाउंट में ऐड मनी कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन में जो ऐड मनी का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो ऐड मनी का ऑप्शन दिया गया है उसमें ऐड मनी करने का फीचर भी नहीं आया है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको एक चीज़ जो है आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा, दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन जो UPI मनी ट्रांसफ़र करते थे वो आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके पास यहाँ पे 3 ही ऑप्शन नज़र आ रहा है, एक है प्रोफाइल का, पासबुक का, ऐड मनी का। दोस्तों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक फीचर और दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक डेबिट कार्ड यहाँ पे आपको शो कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे इस डेबिट कार्ड का नंबर जो है अभी देख सकते हैं कट का है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, CVV एक्सपायरी डेट का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, आप अपना पासवर्ड यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा तो आपका जो कि यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट का मतलब कह सकते हैं कि आपका जो पेटीएम का डेबिट कार्ड है का नंबर जो रहेगा, डेट ऑफ एक्सपायरी रहेगा, सभी कुछ आपका नंबर का ये जो है पेटीएम पेमेंट बैंक का शो कर देगा। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है अभी थोड़ा सा नया है, इसमें से कुछ फीचर दिया गया है लेकिन वर्क नहीं कर रहा है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ऐड मनी करने का इसमें फीचर है, लेकिन आप इसमें ऐड मनी नहीं कर सकते, ये फीचर जल्द ही पेटीएम आपको दे देगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहता है, तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा।